हाँ साहब, एक मिनट नहीं तो तू भाग जाएगा। तो मुंबई की पब्लिक को हो क्या गया? वो गाड़ी लेके भाग गया, ये खुद भाग गया। अबे हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहीम और आज करीब 25 साल के बाद मैं आपको एक लोकेशन दिखाने आया हुआ हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दूल्हे राजा फिल्म की। दूल्हे राजा फिल्म में जो दोस्तों बंगलो दिखाया गया है, जिसमें कादर खान सर हैं और गोविंदा जी हैं, रवीना टंडन जी हैं, उसमें एक बंगलो दिखाया गया है। वो जो बहुत बड़ा बंगलो है अंदर से, वो यहाँ पर नहीं लिया गया है, लेकिन जो जहाँ से वो निकलते हुए दिखाते हैं उसका गेट और बहुत सारी जगह वो इधर ही है, लेकिन मिल नहीं रही है। लेकिन उसमें से एक दो बिल्डिंग मिल चुकी है जो मैं आपको प्रॉपर दिखा दूँ। जैसे एक बिल्डिंग मेरे सामने ही है, एक बाजू में है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक दो जगह नहीं मैच हो रही है। यार मैच भी कैसे हो, मालूम क्या हुआ है? 25 साल के बाद आप समझ सकते हो मुंबई जैसा शहर एक बहुत ही डेवलपमेंट करता है, और यार कहीं पर डेवलपमेंट ना भी हो तो 25 साल के बाद वैसे भी काफ़ी चेंजेस हो जाता है। तो आज हम फिल्म 1998 की है और अभी 2023 है, उस हिसाब से 25 साल बाद आज हम आपको ये गलियों में लेके आए हैं जहां पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे, जब कादर खान सर टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी वाला भाग जाता है, फिर एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। तो वो सब सारी जगह कहाँ पर है, वो लोकेशन पर आज हम आपको लेके आए हैं। आज हम मुंबई के अंधेरी के एरिया में हैं, अंधेरी लोखंड वाला, अंधेरी वेस्ट में, और यहाँ पर जो आप ये रोड देखेंगे ये वही रोड है जो हम आपको दिखाना चाहते थे। हमारी बाइक आगे खड़ी है, उधर से जाके हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे, और वो सारी लोकेशन भी उधर ही है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप राइट साइड में मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें राउंड 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 होल दिख रहे हैं। वो होल से मुझे लग रहा है कि ये बिल्डिंग वही है जिसमें एक आप स्क्रीनशॉट देखेंगे ना, तो बंगलों के बाजू में जो बिल्डिंग दिख रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये बिल्डिंग वही है, लेकिन ये वो है, बट वो बंगलो नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, जिस बंगले को हम आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ से वो बाहर आते हैं और आगे वो जहाँ पर रिक्शा खड़ी रहती है ना, जहाँ पर वो रिक्शा में बैठते हैं, उसके पीछे एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला में हैं और यहाँ पर ही वो लोकेशन है दोस्तों जो हम आपको अभी दिखाएंगे कुछ ही टाइम में। आज भी उस लोकेशन का गेट वैसा ही है जैसा आपने फिल्म के अंदर देखा था, आज भी वही डिज़ाइन है, वही कलर है। फिल्म के अंदर बिल्डिंग पर दो कलर देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन अभी जब हमने देखा तो वो एक ही कलर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, वो टाइम पर इतनी कार वगैरह नहीं खड़ी थी, बहुत ही खुली खुली जगह थी। भाई ये है मुंबई शहर, आदमी कार ले लेता है, लेकिन सबको बिल्डिंग में पार्किंग नहीं मिलती है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग का आप दरवाज़ा देख सकते हो, ये बंगलो देख सकते हो, पीछे संचित आ रहा है, यहीं पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए थे। हम आपको एकदम प्रॉपरली दिखाएंगे। सामने की ओर एक रोड चल रहा है और इधर एक आप देखेंगे ना, ये बसेरा एजेंसी है, प्रॉपर्टी इस्टेट, रियल इस्टेट की, ये आप देख सकते हो। ये रोड वही है जो आपने 25 साल पहले फिल्म के अंदर देखा था। ये हमारी बाइक खड़ी है, आप देख सकते हो पल्सर बाइक के पीछे आपको एक येलो कलर का बैनर दिख रहा है, मैं आपको उसको अलग से दिखा चुका हूँ। ये बैनर वही है जो बसेरा रियल इस्टेट का है, पीछे आप देख पा रहे थे, मतलब 25 साल पहले ये जगह थी। यहाँ पर आप एक कार खड़ी हुई देख रहे हो, एक्सयूवी, ये जहाँ पर कार खड़ी है इसके पीछे एक गेट है, मैं आपको वो साइड से दिखा देता हूँ। ये गेट को आप देख के समझ सकते हो इसका गेट का डिज़ाइन, ये गेट वो टाइम पर खुला हुआ था। बिल्डिंग का डिज़ाइन देख सकते हो, बिल्डिंग में अगर मैं विंडो पर दिखाऊँ ना, तो ये डिज़ाइन जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये डिज़ाइन आप देख सकते हो। अभी इसके ऊपर यहाँ पे जाली लगा दी गई है, लेकिन वो टाइम पर यहाँ पर जाली नहीं थी। तो ये है वो जगह मुंबई की अंधेरी की, यहाँ पर देख सकते हो आप,
जहाँ पर दूल्हे राजा फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे, ऐसे ही रिक्शा में वो बैठते हैं। लेकिन अभी ये काफ़ी चेंज हो चुका है, 25 साल के बाद मैं आपको कैसे मैच करके दिखाऊं। लेकिन फिर भी मैं एक बिल्डिंग तो आराम से ढूंढ पाया हूँ, वो बिल्डिंग ये है। मतलब दो चार पॉइंट मिल चुके हैं। अगर आज भी मैं इसका आपको डिज़ाइन को जूम करके दिखाऊंगा ना, तो ये गेट आज भी वैसा ही है जैसा आप फिल्म के अंदर देख रहे हो। पीछे आप देख सकते हो वहाँ पर येलो कलर का बॉर्डर लिखा है ना, वो वहाँ पे लिखा है बसेरा रियल इस्टेट। उसके बाद जो मैं ये है ऊपर विंडो का डिज़ाइन था, लेकिन जिस वक्त फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए जा रहे थे ना, तो यहाँ पर ये गेट खुला हुआ था। ये गेट बीच में से नहीं खुलता है, पहले वन साइड ज़्यादा है और बाकी का छोटा साइड है। और इसके बाजू में यहाँ पर एक रोड है, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ से ये रेड कलर की कार आ रही है, तो यहीं पर वो सारे सीन उन लोगों ने लेते हुए दिखाए गए थे। अब मैं आपको थोड़ा साइड से हट के ये रोड यहाँ से दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा रोड देखने के लिए मिलेगा, इधर से ही वो आते हुए दिखाए गए थे। आप अगर इस बिल्डिंग को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा होल देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसके बाजू में ही वो उनको बंगला दिखता था। लेकिन वो बंगला अभी यहाँ पर मैंने बहुत ढूंढा, जहाँ से वो निकल रहे थे यहाँ पर वो बंगला कहीं पर भी नहीं है। 25 साल हो चुके हैं, तो उस बंगले को हटा के अभी यहाँ पर टावर बना दिए गए होंगे। एक टावर तो आपको यही देखने के लिए मिल रहा है, तो क्या पता ये टावर बनाया गया हो या इधर कोई टावर बनाया गया हो, क्योंकि वो बंगलो अपने को अभी इधर देखने के लिए नहीं मिला है। दोस्तों, हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि वो बंगलो आपको दिखा पाएँ, वो जगह आपको दिखा पाएँ, लेकिन जैसे ये बिल्डिंग देख रहे हो जहाँ से वो रिक्शा पकड़ते थे, जहाँ पर वो रिक्शा वाले को बोलते थे कि भाई मेरा लाखों का सामान लेके वो जा चुका है, जल्दी उसको पकड़ो, रिक्शा वाला निकल के भाग जाता था, तो वो जगह हमको मिल गई हैं। और पीछे कुछ बिल्डिंग्स भी मिली है जहाँ पे वो सब हॉल वगैरह थे, लेकिन वो बंगलो जो ये बिल्डिंगों के बाजू में दिखाया गया था, जो अंदर से दिखाया गया था, उसके लिए तो मैं वेरी मच श्योर पहले से ही था कि वो बंगलो यहाँ पर नहीं था। वो एक बहुत बड़ी कोई कोठी थी जो जिसमें सीन रिकॉर्ड किए गए थे। और लेकिन कुछ जगह मिली, कुछ नहीं मिली। 25 साल हो चुके हैं दोस्तों, 25 साल पहले तो कुछ और ही वक्त था और आज कुछ अलग ही वक्त है। 25 सालों में इस दुनिया में बहुत बदलाव आ चुका है, कितने लोग मेरे जैसे नए आ चुके हैं और कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो आज हमको उम्मीद है कि ये मुंबई में अंधेरी में वो लोकेशन देख के, जिस वक्त आप 25 साल पहले या 10-15 साल पहले जब भी आप ये फिल्में देखते होंगे या आज भी देखते हैं, क्योंकि गोविंदा जी एक कमाल के एक्टर हैं, उनकी फिल्में काफ़ी अच्छी रही हैं। दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर फिल्मों की दुनिया में सबसे आगे है। सारे फिल्म स्टार यहां हैं, फिल्म स्टूडियो यहां हैं, सारे सीरियल वगैरह 90% सब इधर ही बनता है। इस शहर में न जाने कब से फिल्मों की शूटिंग होती हुई आ रही हैं, और ऐसे होती भी रहेंगी, ये सब काम बंद होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है, भरोसा है, सब कुछ है कि तुम्हें लोकेशन पसंद आएगी। एक्चुअली सारी लोकेशन तो मिली नहीं है 25 साल में, मुझे लगता है वो बंगलों को हटा के टावर बना दिए गए हैं। लेकिन अच्छा लगा काफ़ी इतनी पुरानी फिल्म की लोकेशन आपको दिखा के, और हमें उम्मीद भी है आपको भी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप कंटिन्यू कमेंट करते रहें, बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं भाई मेरा नाम ज़रूर लेना, लेकिन वो जो वीडियो बताते हैं मैं उसमें उनका नाम लेने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई हैं, सबकी मैं कमेंट डालता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए ज़्यादातर लोगों ने नहीं बोला था, इस वजह से मैं इसमें किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग कॉन्स्टेंट मेरे भाई मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज, लव यू ऑल।